खरगोन में रामनवमी के जुलूस पर पथराव, आगजनी और हिंसा के दौरान एसपी सिद्धार्थ चौधरी पर गोली चलाने वाले और तलवार से हमला करने वाले दो आरोपियों के नाम अब 10 दिन बाद सामने आए हैं। कोतवाली थाना पुलिस ने एसपी सिद्धार्थ चौधरी के गनमैन और प्रधान आरक्षक गिलदार पिता रायसिंह सोलंकी की शिकायत पर नामजद प्रकरण दर्ज किया गया था। आईपीएस अंकित जायसवाल ने मीडिया को बताया कि गनमैन की शिकायत पर एसपी सिद्धार्थ चौधरी सर पर देसी कट्टे से गोली चलाने वाले आरोपी वसीम उर्फ मोहसिन पिता जानू निवासी संजय नगर के खिलाफ और तलवार चलाने वाले आरोपी इरफान खान निवासी संजय नगर के खिलाफ नामजद प्रकरण दर्ज किया है। फिलहाल दोनों आरोपी फरार हैं। आरोपियों की तलाश के लिए पुलिस की स्पेशल टीम का गठन किया गया है। उपद्रवियों की तलाश में पुलिस की कार्यवाही जारी है। पुलिस अब आरोपियों की सरगर्मी से तलाश कर रही है। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। तारीख को जो घटना क्रम हुआ था उनको गोली मारी गई थी, उस मामले में पुलिस ने अभी तक अज्ञात में कर रखा था, लेकिन अब ज्ञात हो गया। क्या मामला है सर? इसमें जो एसपी सर को जो गोली लगी थी जो राइट्स वाले दिन, वो घटनाक्रम के हम लोगों ने उसमें एफआईआर दर्ज करते हुए इन्वेस्टिगेशन किया था, जिसमें दो नाम सामने आए, एक वसीम उर्फ मोहसिन और दूसरा इरफान खान, जिनके द्वारा उनके ऊपर हमला किया गया है। इसमें वसीम के द्वारा गोली चलाई गई। अच्छा, अब क्या कार्रवाई चल रही है सर? अभी फरार? अभी दोनों फरार हैं और उनके लिए हम लोगों की टीम लगी हुई है, जल्दी उनको भी पकड़ लेंगे। सर, चूंकि इनकी शिनाख्ती हो गई, तो क्या इनके शासन द्वारा कहे अनुसार इनके घरों पे बुलडोजर चलेगा? नहीं, ये अभी इस तथ्य पे अपन मतलब वो नहीं कर सकते हैं, गारंटी नहीं ले सकते हैं, लेकिन जैसा आदेश रहेगा सीनियर्स का और उनका जो भी कार्रवाई रहेगी उस हिसाब से। 302 में मुकदमा दर्ज करा जाएगा इनके खिलाफ, जैसे गोली मारी होंगे? नहीं, 302 में क्यों होगा, 302 तो मर्डर कर रहा था, 307 में इसमें किया जाए। सर, ये इरफान जो एक आरोपी था, इरफान के द्वारा तलवार चलाई गई है ऐसा बताया गया था, और उसमें हमारी इन्वेस्टिगेशन में भी आया है, इसलिए उसको रखा है। उसी को पकड़ने के लिए जब एसपी सर पीछे भागे थे तो उस पर उसने हमला किया था और वसीम के द्वारा गोली चलाई गई थी। पुलिस किस प्रकार से उनकी तलाशी कर रही है? हमारी एक टीम लगी हुई है और हम अपना टेक्निकल एविडेंसेस और बाकी ह्यूमन इंट के थ्रू भी हम लोग उसमें कर रहे हैं। क्या लगता है, भाग गए होंगे? भागे ही हुए हैं और जल्दी हम उन्हें पकड़ भी लेंगे, हमारे पास कुछ लीड्स भी हैं। जल्दी गनमैन की शिकायत में सर दर्ज? हाँ, इसमें आवेदक गनमैन है। सर, इसमें कितने लोगों को गोली लगी? हिंसा में एक व्यक्ति और है जिसको इधर कूले की साइड में गोली लगी। टोटल दो लोग। इसमें जो वसीम उर्फ मोहसिन है, इसके पुराने भी आपराधिक रिकॉर्ड हैं और संजय नगर का ही रहने वाला है। इरफान भी संजय नगर का रहने वाला है, अभी उस पर भी जांच जारी है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।